कॉलेज में स्ट्रांग रूम के कैमरे दिखा रहे 4 जून की तारीख। दिग्विजय ने निरीक्षण के दौरान पकड़ी गड़बड़ी, उठाए सवाल। गुना और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को हुए मतदान के बाद 4 विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीन पीजी कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। सोमवार को पूर्व सीएम और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया तो कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। दिग्विजय सिंह जब निरीक्षण करने पहुंचे तो स्ट्रांग रूम के आसपास लगे कैमरों पर तारीख 4 जून दिखाई दे रही थी, जबकि सोमवार को तारीख 13 मई है। निरीक्षण के बाद दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस मामले को निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाने की बात कही। कांग्रेस ने कैमरों पर तारीख गलत दर्शाई जाने के मामले में तथ्यों को उजागर करते हुए बताया है कि अगर मतगणना तक स्ट्रांग रूम के आसपास कोई संदेहास्पद गतिविधि होती है तो शिकायत के दौरान उसकी जांच या स्क्रूटनी करना संभव नहीं होगा। यदि 7 मई से 13 मई के बीच यदि कोई गड़बड़ी घटित हो चुकी है तो उसकी जांच कैसे संभव होगी, क्योंकि कैमरों के माध्यम से जांच समय और तारीख के आधार पर होती है, जबकि पीजी कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम के कैमरे तारीख 13 मई को तारीख 4 जून बता रहे हैं और समय भी रात के 3:27 दर्शाया जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं ने तत्काल गुना एसडीएम को जानकारी दी है। वहीं दिग्विजय सिंह ने उच्च स्तर पर शिकायत की बात कही है। उसके बाद दिग्विजय सिंह सीधे कलेक्टर सत्येंद्र सिंह को इसकी शिकायत करने रवाना हो गए। वहां कलेक्टर ने गड़बड़ी ठीक कराने का आश्वासन दिया है। निरीक्षण के दौरान पूर्व सीएम ने लोकसभा चुनाव के माहौल पर चर्चा करते हुए कहा कि लोगों का गुस्सा मतदान के जरिए सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेहतर से बेहतर परिणाम करेगी। और वैसे भी पहले बैलेट बॉक्स चलता था तो हम जाँच करने आते थे स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय चुनाव के 2-3 दिन बाद ही काउंटिंग हो जाता था तो आसानी से हो जाता था। अब एक एक 1.5 महीना के बाद होती काउंटिंग, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग रूम में चौकीदारी करनी पड़ती। कैसा रहा इलेक्शन आपके थर्ड फेज में? अच्छा था। आज चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, क्या उम्मीद जता रहे मतदान प्रतिशत इस बार भी बढ़ रहा है? बात यह है, लोगों में जो गुस्सा था वो उभर कर अब सामने आने लगा है। स्ट्रांग रूम के वीडियो में अभी जो 4 जून और समय गड़बड़ दिखाया है, ये क्या मामला था? ये ऐसा था कि जब वीडियो लिया गया तो वीडियो पे टाइम आ जाता है, तो टाइम सही था लेकिन डेट 4 जून की। नो सर, टाइम 3 बजे का था। टाइम 3 बजे का टाइम तीन तो बज गए होंगे। रिटर्न कंप्लेंट किया क्या आपने? रिटर्न कंप्लेंट किया क्या? आप जब गए थे रिटर्न नहीं करे? कंप्लेंट तो नहीं की है, पहले भी बात करते हैं। अच्छा सर, सेम सबसे बड़ा स्टिक्स क्या राजगढ़ और गुना सुप्रीम लोगों ने राज्यसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आए हुए थे और उन्होंने स्टैंड रूम का विजिट किया और स्टैंड रूम उन्होंने देखा हुआ। एक चीज उन्होंने पॉइंट आउट की थी कि जो कैमरा एक कैमरा से डाकूगढ़ में जो लगा हुआ पीछे साइड में जो लास्ट में तोड़ा गया था कि ताकि बैक पोर्शन भी कवर हो, उसके लिए उन्होंने कहता था कि उसका टाइमिंग जो सेट है वो शायद वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं है। तो उनके सामने ही एआरओ थे वहाँ पर, तो उनको उनके सामने पॉइंट क्लियर कर दिया गया था कि जो टाइमिंग है वो हो सकता है कैमरा कहीं से वेंडर ने दिया होगा तो टाइमिंग पहले से सेट रही होगी, बट हमारे पास कंटिन्यूस चूँकि DVR पे कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चल रही है और उनको भी पता है, तो उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन के बाद जो है आपसे DVR की काफ़ी चाहेंगे, काफ़ी दिक्कत नहीं है, तो प्रावधान उसके मुताबिक कर देंगे। बाकी उन्होंने देखा उन सारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट। काउंटिंग आगे होनी है जैसे इलेक्शन के बाद में, तो उसको लेकर पूरी काउंटिंग की तैयारियां चल रही हैं। काउंटिंग आपने देखा होगा कि जो हमारा स्ट्रांग रूम है उसी के ठीक सामने ही इनके काउंटिंग हाल बने हुए हैं। इस बार 14 से ज़्यादा टेबल की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। दो काउंटिंग ऑब्जर्वर के लिए हमने प्रपोजल भेजा हुआ है ताकि दोनों पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग ऑब्जर्वर हमारे पास रहें। काउंटिंग का तो काउंटिंग में समय नहीं लगेगा, पिछली बार की तुलना में टेबल्स बढ़ाई जा रही हैं तो उस वजह से इस बार जो है काउंटिंग के जो राउंड हैं वो कम हो जाएंगे। काउंटिंग के जो पर्सन से उनके ट्रेनिंग का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं, अभी चूँकि टाइम हमारे पास है और हमको कम से कम 2 राउंड की ट्रेनिंग देनी है। बाकी कैंपस जो है उस पर आप देख रहे होंगे कि सारी व्यवस्थाएँ हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। चारों अलग अलग स्ट्रांग रूम में जो है पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, सब जगह अलग अलग रजिस्टर हैं। 2 टाइम जो है हम लोगों को देखना होता है, तो यार लोग ADM जिला पंचायत और मैं खुद चारों लोग जो है सब मिलकर के उसको देख रहे हैं और बाकायदे CCTV का जो फुटेज है वो सामने स्क्रीन पर आ रहा है। TV लगी हुई है, लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो 24/7 कैंडिडेट या उनके जो भी एजेंट लोग हैं वो उसको देख भी रहे हैं।
रेल पटरी पर मिला अज्ञात शव। कैंट थाना अंतर्गत कुसमौदा इलाके में आज सुबह रेल पटरी के पास एक अज्ञात शव के मिलने का समाचार है, जिसके शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार कुसमौदा की नई बस्ती इलाके में आज सुबह लगभग 7 बजे एक अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस की एक ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। यह शव रेल पटरी पर खंभा क्रमांक 1097/15 व 1097/11 के बीच पड़ा मिला, जो कि संभवतः ट्रेन से कटा हुआ था। मृतक की उम्र लगभग 27-28 वर्ष मानी जा रही है। पुलिस ने प्राथमिक जांच पड़ताल व मौका मुआयना के बाद सब पीएम रुख में रखवा दिया है। वहीं मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक के शरीर पर नीले रंग की शर्ट पाई गई है। इस संदर्भ में किसी को कोई भी जानकारी होने पर वह जीआरपी या कैंट पुलिस से संपर्क कर सकता है। गुना में ऑनलाइन संचालकों ने कॉलेज फीस में किया घोटाला। एनएसयूआई ने कॉलेज प्राचार्य और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को दिया ज्ञापन। गुना जिला मुख्यालय पर 13 मई सोमवार को गुना के दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को एनएसयूआई ने गुना में पीजी कॉलेज के छात्रों के साथ हुए 2018 से अभी तक के फीस घोटाले को लेकर ज्ञापन दिया है। वहीं एनएसयूआई ने एक ज्ञापन पीजी कॉलेज के प्राचार्य को भी दिया है, जिसमें फीस घोटाला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को दिए ज्ञापन में एनएसयूआई के छात्रों ने जिन छात्रों के साथ फीस घोटाला हुआ है उनके दस्तावेज दिए एवं पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया। गुना में कॉलेज फीस घोटाले को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एनएसयूआई के लोगों से ज्ञापन देने के दौरान उच्च स्तरीय जाँच की बात कही। वहीं पीजी कॉलेज के प्राचार्य से भी चर्चा की। पीजी कॉलेज में पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा गुना में छात्रों के साथ हुआ फीस घोटाला एफआईआर कर गिरफ्तार किया जाए। गुना के शासकीय पीजी कॉलेज में स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण करने 13 मई सोमवार को पीजी कॉलेज पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने गुना में पीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ हुए फीस घोटाले पर बयान दिया है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन क्योस्क संचालकों द्वारा फीस जमा करने में की गई गड़बड़ी के बारे में बताया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा यह संगीन मामला है। फीस घोटाला गुना में 2018 से अभी तक हुआ है, जिस पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। जिन क्योस्क संचालकों ने छात्र छात्राओं की फीस में घोटाला किया है, गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। सबसे बड़ा स्कैंडल तो मालूम पड़ा है कि 2018 से इस कॉलेज में ऑनलाइन जो फीस जमा करने वालों ने 8-10 जो ऑनलाइन जमा करते हैं उन्होंने फीस जमा ही नहीं करी और बच्चों को मालूम ही नहीं पड़ा। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है और एफआईआर इसकी दर्ज करा के इसमें कि तो जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नेशनल हाईवे 46 के पाटई में होटल सुख सागर के पास कार की टक्कर से एक व्यक्ति की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र की उमरी पुलिस चौकी के तहत नेशनल हाईवे 46 पर पाटई में होटल सुख सागर के पास एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। म्याना थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी उमरी प्रभारी उत्तम सिंह राजावत ने 13 मई सोमवार को जानकारी देते हुए बताया नेशनल हाईवे 46 पर पाटई में होटल सुख सागर के पास एक्सीडेंट में मौत हुई है। मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, अज्ञात है। एक कार की टक्कर से मौत हुई है। कार और उसके चालक को म्याना थाना पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। मृतक के शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं म्याना थाना पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। कलेक्टर द्वारा साप्ताहिक समय सीमा बैठक का किया गया आयोजन। पीएम जनमन योजना से संबंधित लंबित समग्र ई केवाईसी कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रथम कौशिक अपर कलेक्टर अखिलेश जैन सहित अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे। समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा सर्वप्रथम लोकसभा निर्वाचन 2024 से संबंधित मतदान प्रक्रिया सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई, इसके लिए निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेषित की गई। साथ ही जिले में विगत चुनाव की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने
कहने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी, स्वीप सहित पूरी स्वीप टीम को बधाई दी गई। इसी क्रम में आगामी 4 जून 2024 को मतगणना होना है। इस कार्य से संबंधित अधिकारी अभी से तैयारियां प्रारंभ कर देवे। विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग मतगणना स्थल पर बैरिकेटिंग से संबंधित कार्य की प्लानिंग प्रारंभ कर दे। बैठक के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने कहा कि पीएम जनमन अंतर्गत जो अच्छे कार्य हुए या आवास बने हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए एवं अच्छे गुणवत्ता के फोटो संग्रहित किए जाए। इस कार्य की हर सप्ताह समीक्षा दी जाए। जीर्ण सेण स्थित में है उनका जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित विभाग के साथ संयुक्त परीक्षण कर उन्हें प्राथमिकता से डिसमेंटल कराने की कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि आंगनबाड़ी भवनों में पंखे, साफ सफाई एवं पानी आदि की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय कर कराई जाए एवं स्वयं एवं SDOP को आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत भ्रमण करें। ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित योजना की समीक्षा के लिए विकास खंड स्तर पर सचिव GRS की पाक्षिक बैठक नियमित रूप से बुलाई जाए। जिला पंचायत प्रथम कौशिक द्वारा CM हेल्पलाइन एवं PM जनमन योजना की समीक्षा के इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे विभाग जो अभी डिग्रेडिंग में है वह अपनी रैंक सुधारने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करें। PM जनमन योजना से संबंधित सभी निकाय लंबित तो समग्र EKYC कार्य शीघ्र कराएं। इस कार्य के प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्यों में भी गति लाई जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया गया कि ऐसी नल जल योजना को पूर्ण हो गई जिनका हस्तांतरण ग्राम पंचायतों को किया जाना है उनका सत्यापन कराकर हस्तांतरित कराने की कार्यवाही शीघ्र की जाए। बैठक के अंत में लंबित न्यायालयीन प्रकरण, दैनिक समाचार पत्रों में जारी निगेटिव न्यूज आदि से संबंधित समीक्षा की गई और समय पर प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता प्रेरकों का किया नागरिक अभिनंदन। समाज सुधार हेतु सार्थक और प्रभावी उपदेश भाषण से नहीं आचरण से दिए जाते हैं। विगत दिनों ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में महर्षि परशुराम जयंती पर निकाली शोभा यात्रा में पूरे 3 किलोमीटर के यात्रा मार्ग को अपने हाथों से कचरा और गंदगी मुक्त करने की अनूठी प्रेरक पहल कर संपूर्ण समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने वाले पंडित तुलसीदास दुबे, पंडित शरद आचार्य तथा पंडित मनोज पराशर का शासकीय चिकित्सालय परिसर स्थित सेवा भारती सेवा केंद्र में नगर की 3 सेवा भावी संस्थाओं, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ, आरोग्य भारती और सेवा भारती के नेतृत्व में नगर के विविध क्षेत्रों के गणमान्य प्रबुद्ध जनों ने मिलकर सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित कर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी ने कहा कि जहां प्रशासन और नगर पालिका स्वच्छता के प्रचार पर बड़ी धनराशि व्यय करके भी समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, ब्राह्मण समाज के इन 3 महानुभावों ने चल रहे समारोह में उपयोग कर सड़क पर ही फेंके गए गिलास, पाउच, कप और अन्य कचरे को मन में बिना किसी हीन भाव को लाए, बिना संकोच के तुरंत अपने हाथों से एकत्रित कर थैलों में भरकर पूरे मार्ग को स्वच्छ बनाकर संपूर्ण समाज को स्वच्छता के प्रति जागृत करने का कार्य किया, जिससे राहगीरों और दुकानदारों के लिए बड़ी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति में सभी समाजों के लोग ब्राह्मण समाज के इन विप्र बंधुओं से प्रेरणा ले सकते हैं जिन्होंने विद्वान और समाज में सम्मानित स्थान होने के बाद भी चल समारोह में चल रहे लोगों द्वारा सड़क पर फेंके गए सारे कचरे को अपने हाथों से तुरंत हटाकर संपूर्ण मार्ग स्वच्छ कर किसी को भी परेशानी नहीं होने दी। नेतृत्वकर्ता वैदिक विद्वान पंडित तुलसीदास दुबे ने कहा कि हम सबको संविधान प्रदत्त अधिकारियों के साथ नागरिक नियमों और कर्तव्यों का पालन भी पूर्ण सजगता से करना चाहिए। समाज और शासन प्रदत्त अभी सार्वजनिक सुविधाओं का हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। यही सच्ची राष्ट्रीय भक्ति है। स्वच्छता मात्र शासन प्रशासन का विषय नहीं है, इसलिए सभी को सजगता पूर्वक अपने स्वभाव से स्वच्छता को स्थायी रूप से लाकर तदनुसार आचरण कर अपने गली मोहल्ले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाकर नगर को सुंदर और आकर्षक बनाने में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहिए। अखिलेश विजयवर्गीय ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। CBSE ने कक्षा 12वीं और 10वीं के परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित कर दिए हैं। कक्षा 12 में वंदना स्कूल के छात्र पलाश वैश्य ने जिला टॉप किया है। उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम में 98% अंक हासिल किए हैं। वहीं क्राइस्ट स्कूल के छात्र तनय शर्मा ने मैथ्स स्ट्रीम में 94.8% अंक हासिल किए। कक्षा 10 में स्वतः साइंस स्कूल के व्योम निखरा में 98.3% अंक हासिल कर जिला टॉप किया है।
बता दें कि मध्य प्रदेश सीबीएसई के अजमेर रीजन में शामिल है। 12वीं में रीजन का रिजल्ट 89.53% रहा है। अजमेर रीजन का देश में 10वां स्थान है। 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी होने के करीब 2 घंटे बाद 10वीं का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। 10वीं बोर्ड में अजमेर रीजन का परिणाम 97.10% और देश में 5वां स्थान है। 2023 में 12वीं का रिजल्ट 89.27% रहा था। 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड में अजमेर रीजन पिछले साल के मुताबिक इस साल पिछड़ा है। पिछले साल के रिजल्ट के मुकाबले इस बार के रिजल्ट में 0.17% कमी हुई है। कक्षा 12 की बात करें तो अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक क्राइस्ट स्कूल के छात्र तनय शर्मा ने मैथ्स स्ट्रीम में 94.8% अंक हासिल किए हैं। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में एसएल मेमोरियल स्कूल के छात्र अयांश गुप्ता ने टॉप किया है। उन्होंने 94.2% अंक हासिल किए हैं। वहीं आर्ट्स फील्ड में भी एसएल मेमोरियल के छात्र श्याम रघुवंशी ने टॉप किया। उन्होंने 94% अंक हासिल कर आर्ट्स फील्ड में जिले में टॉप किया है। कक्षा 10 के सामने आई जानकारी के अनुसार राघोगढ़ से साइंस स्कूल के छात्र व्योम निगरा ने जिले में टॉप किया। उन्होंने 98.3% अंक हासिल किए। उनके अलावा एसएल मेमोरियल के छात्र रोहित रघुवंशी ने 95% और गोविंद धाकड़ व विवेक धाकड़ ने 94% अंक हासिल किए हैं। अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय का कक्षा 12 और कक्षा 10 का 100% परिणाम रहा। कक्षा 12 में 33 बच्चे शामिल हुए जिसमें सभी उत्तीर्ण हुए। कक्षा 12 विज्ञान संकाय में प्रथम स्थान 463 अंकों के साथ देवाशीष शर्मा, संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान 462 अंकों के साथ अनिकेत भार्गव, अनुष्का रघुवंशी और तृतीय स्थान लकी वैष्णव ने 454 अंक प्राप्त कर लिया। वाणिज्य संकाय में प्रथम प्रियांशी भदौरिया 429 अंक, द्वितीय स्थान संजना रघुवंशी 428 अंक व तृतीय स्थान 425 शिवानी किरार ने प्राप्त किए। कक्षा 10 में प्रथम स्थान हर्ष मीना 90.8%, द्वितीय स्थान शिवांश मालवी 88% और तृतीय स्थान नितेश धाकड़ 86.4% के साथ हासिल किया। राघोगढ़ थाना क्षेत्र से अपहृत नाबालिग बालिका दस्तयाब नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के आरोपित विधि विवादित किशोर को अभिरक्षा में लेकर सह आरोपी किया गिरफ्तार। गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार गुना पुलिस द्वारा जिले में नाबालिग बालक बालिकाओं पर घटित अपराधों को संवेदनशीलता से लेकर इन मामलों में तत्परतापूर्वक कार्यवाहियां कर इनके अपराधियों को उनके अंजामों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में विगत दिनों जिले के राघोगढ़ थाना क्षेत्र से अपहृत तो एक नाबालिग बालिका को राघोगढ़ थाना पुलिस द्वारा दस्तयाब कर बालिका के अपहरण व उससे दुष्कर्म के विधि विवादित किशोर को बाल संप्रेषण गृह तो उसके सह आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित नाबालिग बालिका के पिता की ओर से दिनांक 5 मई 2024 को जिले के राघोगढ़ थाने में अपनी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्र के दिनांक 5 मई 2024 के दोपहर से घर पर किसी को बिना कुछ बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट की गई थी, जिस पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध राघोगढ़ थाने में अपराध क्रमांक 225/24 धारा 363 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया था। एसडीओपी राघोगढ़ और श्रीमती दीपा डोजवे के मार्गदर्शन में राघोगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक जुबेर खान एवं उनकी टीम द्वारा प्रकरण की अपहृत नाबालिग बालिका की संघनता से तलाश की गई एवं इस हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर विभिन्न तकनीकी संस्थाओं की मदद से बालिका की तलाश में कड़ी से कड़ी मिलाकर निरंतर दबिशें दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप अपहृत बालिका के संबंध में मुखबिर से मिली सूचना पर राघोगढ़ थाना पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर गत दिनांक 12 मई 2024 को अपहृत बालिकों को जिला के बमौरी थाना क्षेत्र से दस्तयाब कर लिया गया, जिसके कथनों के आधार पर प्रकरण की विधि विवादित किशोर सहित आरोपी अजय मीना के विरुद्ध धारा 366, 376(3), 376(2)(n), 120 भादवी एवं 5(l)(6) पास्को एक्ट इजाफा की जाकर राघोगढ़ थाना पुलिस द्वारा गत दिनांक 12 मई 2024 को ही प्रकरण के मुख्य आरोपित विधि विवादित किशोर को पुलिस अभिरक्षा में तो सह आरोपी अजय उर्फ अज्जू पुत्र कैलाश मीना निवासी साडा कॉलोनी राघोगढ़ जिला गुना को गिरफ्तार कर लिया गया एवं प्रकरण में गिरफ्तार सुधा आरोपी अजय मीना को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया तथा विधि विवादित किशोर को माननीय विशेष किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल संप्रेषण गृह भेज दिया गया। राघोगढ़ थाना पुलिस की उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक जुबेर खान, उप निरीक्षक पंकज कुशवाहा, सोनी कमल सिंह मीना, प्रधान भूपेंद्र शर्मा, प्रधान आरक्षक बल्लभ प्रसाद मीना, आरक्षक धर्मेंद्र रावत, आरक्षक बल्लभ चौहान, आरक्षक हरवीर बागड़ी, आरक्षक वकील सिंह, आरक्षक मुकेश साहू, आरक्षक जालम डावर, महिला आरक्षक कविता शर्मा, महिला आरक्षक उर्मिला सुहरिया एवं साइबर सेल से आरक्षक कुलदीप भदौरिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
चेतन साहित्य एवं कला परिषद की काव्य गोष्ठी हुई संपन्न। चेतना साहित्य एवं कला परिषद गुना द्वारा विघ्न हरण बालाजी मंदिर दुबे कॉलोनी पर आदि शंकराचार्य जयंती, मदर्स डे, संत सूरदास जी की जयंती के अवसर पर सरस काव्य गोष्ठी संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कवि विष्णु साथी ने की। मुख्य अतिथि नारायण लाल मैयर, अध्यक्ष चंदेल समाज रहे। विशेष अतिथि राम जीवन भार्गव रहे। सरस्वती वंदना हरीश सोनी ने सुनाई गोष्ठी का संचालन। नगर के जाने माने शायर प्रेम सिंह प्रेम ने किया। कहा त्याग तपस्या प्यार गुस्सा सुख दुख अला बला माँ तेरे दामन में पन्हा लिए नजर आते हैं सब। वरिष्ठ कवि विष्णु साथी ने माँ के संबंध में अपने भाव यूँ व्यक्त किए। जब भी मांगो माँ से मांगो, माँ की जेब सदा भरी रहती है। उमा शंकर भार्गव ने आदि शंकराचार्य जी के संबंध में कहा कि मेरा मन सांसारिक विषयों से हो रहा विरक्त, ईश्वर की तरफ मन हो रहा अनुरक्त। चार दिशाओं में कि उन्होंने चार मठों की स्थापना, वे चाहते थे विद्वान उपनिषद और सनातन धर्म को सुधारना। श्रीमती कीर्ति मुरोलिया ने कहा आज हम माँ की गाथा फिर गाएंगे, मातृ दिवस आज हम फिर से मनाएंगे। शायर बाबू खानीडा ने कहा सुख दुख गम खुशी दोनों हैं एक दूजे के हमदर्द दोस्तों। सूबेदार धर्मवीर सिंह भारती ने कहा मातृ दिवस की बेला आई सबने दी दुहाई, पथराई आंखों से निहारता रहा माँ तो कहीं नजर नहीं आई। कुमारी साक्षी ओझा ने कहा कहने को तो आज माँ का जन्मदिन है, पर वो कौन सा दिन है जो पूरा हो जाए माँ के बिना है। गीतकार हरीश सोनी ने कहा तीनों देव चारों धाम से बढ़कर माँ का नाम, माँ से जन्मे जीसस नामक राम और घनश्याम। गोविंद राव मोरे ने अपना काव्य पाठ करते हुए कहा कि नमन अनेको तुझे मेरी शारदे मैया, बीच मझधार में हूँ पार लगा दे मेरी नैया। शंकर राव मोरे ने कहा प्यार भरा आशीषों का खत मैं पढ़ पढ़कर नहीं अघात, पथ में रोड़े बिछाता वरना माँ तेरा खत पढ़कर काम छोड़कर सब में आ जाता। राम जीवन भार्गव नई सराय ने कहा माँ तू हमारे घर की शान है, तुम्हारे बिना मेरा जीवन वीरान है। श्रीमती माया ओझा ने सुनाते हुए कहा नारी का सम्मान करो मत उसका अपमान करो। अमित शर्मा उर्फ बबलू बमोरी ने कहा माँ की हर बात निराली घर को देती खुशहाली। शायर सलाउद्दीन सिकवा ने कहा माँ का चक्की चलाना याद आता है और उसका प्यार से सुलाना याद आता है। इस अवसर पर ओंकार लाल लोधा, देवेंद्र उपाध्याय, महितपुर वाले लक्ष्मी देवी, देवेंद्र शर्मा, अनिल पराशर, अनूप श्रीवास्तव, प्रमोद अग्रवाल, रतलामी कात्यानी शर्मा, पूर्ण प्रकाश स्वामी, कपिल शर्मा, शैलेंद्र दुबे, समाजसेवी निरंजन भाया कसेरा, कवि गोष्ठी में डॉक्टर अशोक गोयल, अमित शर्मा, श्रीमती संतोष ब्रह्मभट्ट, सांभवी गोयल, शरणैया, अमित जाटव, प्रमोद भार्गव आदि ने भी काव्य पाठ किया। अंत में आभार व्यक्त करते हुए नारायण लाल मैयर ने कहा कि आज देवेंद्र उपाध्याय की शादी की 55वीं वर्षगांठ पर उन्हें बधाई दी और उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रति माह कवि गोष्ठी होते रहने से समाज में जागरूकता पैदा होती है। आज प्रेम सिंह प्रेम के बड़े भाई श्री जयसिंह छत्री की तीसरी पुण्यतिथि, परस्पर बने 2 मिनट की मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ठंडी छांछ एवं शीतल जल पिलाकर स्काउट गाइड जीत रहे हैं यात्रियों का दिल, समाज सेवी निःशुल्क उपलब्ध करा रहे बर्फ। भारत स्काउट एवं गाइड जिला संघ के गुना के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के मार्गदर्शन, जिला संगठन आयुक्त आलोक जैन एवं जिला कमिश्नर, जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया के नेतृत्व में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सचिव प्रताप नारायण मिश्रा के नेतृत्व में ग्रीष्मकालीन जल सेवा प्याऊ रेलवे स्टेशन पर चल रही है। DOC जितेंद्र ब्रह्मभट्ट, यूथ मोटिवेटर एवं लाइफ कोच ने बताया कि समाज सेवी अशोक अवस्थी एवं सुनील जैन द्वारा निःशुल्क बर्फ उपलब्ध कराई जा रही है। आज सेवा कार्य में लगे शिक्षक सुनील रघुवंशी, सुरेंद्र शर्मा, प्रद्युम्न शर्मा, प्रमोद भार्गव, नितेश जैन, रवि पालिया, विनोद सिंह की ओर से 6 यात्रियों को पिलाई गई। साबरमती में यात्रा कर रहे यात्री स्काउट एवं गाइड की सेवा की प्रशंसा करते नहीं थकते और गुना स्टेशन की तारीफ भी करते हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री सदस्य सुनील आचार्य, हेमंत शर्मा, गोविंद यादव, रूही जैन, प्रखर ब्रह्मभट्ट, कुशाग्र ब्रह्मभट्ट, रेंजर राधिका धाकड़ ने यात्रियों को शीतल जल एवं छांछ पिलाई। जिला संघ गुना द्वारा जो जल सेवा रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ की गई, उसमें आज जो हमारा यूथ रेडक्रॉस और जूनियर रेडक्रॉस का जो रेडक्रॉस सप्ताह चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारे सभी साथियों ने मिलकर आज यहाँ पे यात्रियों के लिए ठंडी छाछ की व्यवस्था की और यात्रियों का भी अच्छा लगा और हम सबके सहयोग से आज यहाँ ठंडी छाछ जो यात्रियों का भी पसंद भी आई और उन्होंने गुना की काफ़ी तारीफ भी की। बहुत बहुत धन्यवाद।